हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल. पीछे दर्शील रो रहा है बिकॉज उसके सोने का टाइम हो गया. मैंने जल्दी से एक आपको अपडेट दे दूँ. एक्चुअली कल आ रही है मेरी बहन यानी कि दर्शील की मासी आ रही है कल. एंड हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं. तो प्रिपेयर करने के लिए एक्चुअली मैंने सोचा कि हैंडमेड केक बनाऊँ उसके लिए वेलकम करने के लिए. और उसके लिए छोटा सा सरप्राइज़ भी है. सरप्राइज़ क्या है, हम दर्शील को भी ले जाएंगे उसको रिसीव करने के लिए. बट उसे नहीं पता यहाँ से, बिकॉज मेरे घर से एयरपोर्ट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 आवर की दूरी है और ट्रैफिक लग जाता है तो कभी 2.5 घंटे ऐसे भी हो जाता है. तो शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम दर्शील को लेकर आएंगे उसको रिसीव करने के लिए. बट शी इज़ सुपर एक्साइटेड बिकॉज जब वो दर्शील को छोड़ के गई थी तो दर्शील वॉज लेस देन 1 मंथ. ओके, सो दर्शील को मैंने सुला दिया है. तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें मंगाई हैं. एक्चुअली सारी चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल है लेकिन पापा जब ऑफिस से आते हैं ना तो भूल जाते हैं चीज़ें लाना. तो पिछले वीक से मैंने उनको बोल रखा था तो वो भूल गए थे. तो आई जस्ट ऑर्डर सम थिंग्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट क्योंकि मुझे केक बनाना था. तो मैंने ऑर्डर क्या क्या किया है, ये मैंने चोको चिप ऑर्डर किया था, ये वो है. उसके बाद इस बॉक्स को मैंने खोल लिया है. इसमें आए हैं छोटे छोटे से वनीला एसेंस. एक्चुअली मुझे एक ही चाहिए था बिकॉज मेरे घर पे ऑलरेडी अवेलेबल होती है ये सारी चीज़ें, लेकिन इसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2 था तो 2 आ गया. फिर मैंने ऑर्डर किया है चोको पाउडर और ये भी 2 ही आया. इसका भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2 था तो ये भी 2 आया है. इससे आप यहाँ से स्प्रिंकल भी कर सकते हैं वो अलग वो है. और इसके अंदर आई थिंक व्हिपिंग क्रीम है जो मैंने मंगाया है. अभी थोड़ी देर पहले मैं दर्शील को लेके हॉस्पिटल नहीं डॉक्टर के पास गई थी बिकॉज उसके पीछे में थोड़ा सा स्वेलिंग सा मेरे को लग रहा था. बट वो ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि इट इज़ नॉर्मल थिंग. तो अभी मैं घर वापस आ गई. और एक्चुअली मुझे ना दर्शील बिकॉज माई सिस्टर डजेंट नो कि वो भी जा रहा है उसको रिसीव करने के लिए. तो आई वॉन्टेड कि कुछ वेलकम मासी या मासी का लाडला इस तरीके का जो ड्रेस होता है वो मंगाओ. बट उसकी डिलीवरी बहुत लेट हो रही थी तो मैंने इस तरीके से ना पेपर पे प्रिंट करवा लिया है पापा से बोल के. और ये मैं उसके ड्रेस पे लगा दूँगी. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि मेरी सिस्टर का किस तरीके से उसका रिएक्शन होता है. पीछे दर्शील की आवाज़ आ रही होगी आपकी. ये मैंने ले रही हूँ मैदा. ओह, मैदे का पैकेट भी फटा हुआ है. आई वॉज नॉट नोइंग. चलो, ओह माई गॉड, ये हर जगह से फटा है. 1 मिनट प्लीज. तो ये मैंने ले लिया है मैदा. इसमें मिला दिया मैंने कोको पाउडर, उसके बाद मिला है वनीला एसेंस और फिर इन सबको मैंने बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया है जब तक ये अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए. और उसके बाद मैंने इन सबको फेंटने के बाद इसमें ऐड किया है पाउडर्ड शुगर को. फेंटने के बाद इस मिक्सचर में मैंने थोड़ा सा हॉट वाटर और कॉफ़ी मिलाया है और बैठा दिया मैंने इसको पैन में. उसके बाद मैं यहाँ पर ये व्हिपिंग क्रीम के साथ मैंने चॉकलेट मिलाया है तो उसे पोर करूँगी. मैंने इसके ऊपर से पोर कर दूंगी और फैलाऊंगी इसको बना सकती हूँ. इधर से थोड़ा सा गड्ढा सा हो गया है टाइप का केक. तो अच्छे तरीके से इसको मिलाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फैला दूंगी और ये है मेरा आउटकम ऑफ द केक. चोको चिप खाकर कैसा होगा ये वही बताएगी आकर. हम सब घर पे बिजी हो जाते हैं तो मेरी जो नानी है वो हमेशा दर्शील को कैप्टिव रखती है क्योंकि वो बहुत जल्दी रो जाता है अगर उसे अकेला हम छोड़ देते हैं. तो नानी उसके साथ खेल रही थी, मैं मम्मा और पापा हम सब काम कर रहे थे. सो यूजुअली दर्शील 12 बजे से पहले 11:30 बजे तक सो जाता है. बट आज 12:10 हो गए घर में, ये अभी तक नहीं सोया है. जबकि हमें कल सुबह सब कुछ रेडी करके घर पे उसके वेलकमिंग का सब रेडी करके जल्दी निकलना है. अब पता नहीं मेरे महाराज कब सोएंगे. Krishna Hare Krishna 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 Hare कुछ कुछ
कुछ काम मैंने कर लिया है एंड दर्शिल हैज जस्ट गॉट अप नाउ, तो अभी उसका थोड़ा सा रूटीन वर्क जो होता है वो करना है। पहले सबसे पहले तो उठ के पॉटी कर लेता है, तो वो क्लीनिंग कराने के बाद फिर मम्मा उसकी मालिश कर देती है, फिर नहला देती हूँ मैं उसको एक घंटे बाद। लेकिन आज क्या हो ना, थोड़ा सा हल्का सा जुकाम भी हो रहा है दर्शिल को, और दूसरी बात यह है कि आज का मौसम भी बहुत, कल दो दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, तो आज ठंडा सा है। हमने फ़ैन भी नहीं चलाया है ऊपर, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज दर्शिल को नहीं नहा के दूँ, बस उसकी तेल मालिश करने के बाद थोड़ी सी स्पंजिंग कर देंगे, उसके बाद उसको तैयार करके चलेंगे मासी को लेने हम। सो मैं भी रेडी हो गई हूँ, थोड़ा बहुत बचा है, अब मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद चलेंगे हम। 11 बजने वाला है, शी विल बी लैंडिंग में 1:30, ऐसा थोड़ा सा दूर है, मैंने आपको कल भी कहा था, और अगर ट्रैफिक जाम लग जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं। सो वी हैव स्टॉप्ड हियर फॉर टी बिकॉज हम थोड़े जल्दी आ गए हैं, पापा दर्शिल के साथ है, पूरा रास्ता इन्होंने लिया है दर्शिल को, एज ऑलवेज दर्शिल की फेवरेट नानी। सो अब हम जल्दी से थोड़ा सा चाय पियेंगे, और उसकी लैंडिंग है 1:30 की, वेटिंग। अभी तक मैंने दर्शिल को कुछ कुछ मुझे लगाना है, मतलब मैंने एक बैनर टाइप का बनाया है वेलकम मासी वाला, वो मुझे उसके ड्रेस पे बनाना है लगाना है, लेकिन आई डाउट कि अगर मैंने जल्दी लगा दूँ तो वो शायद निकाल दे उसे अपने हाथ से, तो थोड़ी देर के बाद जब बिल्कुल टाइम करीब आ जाएगा तब ही लगाऊंगी मैं। सो आई विल एंजॉय अ कप ऑफ कॉफ़ी विद यू पीपल। लॉन्ग वेट ऑफ मासी इज ओवर नाउ एंड आई नो इट इज गोइंग टू बी अ फुल टाइम मासी वर्क, शी इज सो 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 हैप्पी, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है। It is 5 PM and we all are having our lunch. We have just reached after a very tiring day. सब लोग सो गए थे, तो जो मैंने केक बनाया है वो अभी तक हमने काटा नहीं है, एंड शी डजंट नो ऑल्सो, तो अभी मैं कटवाऊंगी एंड आई एंड द ब्लॉग हियर ओनली। सो जल्दी से केक कटिंग करते हैं और एक बहुत ही अच्छा सा वेलकम करते हैं उसका दोबारा से। रिएक्शन आपने उसका देख ही लिया है, इट्स सो ओनली इट इज़ कॉल्ड एस मासी विच ऑल्सो कंटेन्स माँ। मेरी भी आँखें लाल हो रही है।